Hello friends, I am Dr. Satkala and today's topic is post-colonialism. In the series of literary theory and criticism, this is the lecture number 4th on post-colonialism. Before it, I uploaded videos related to feminist criticism, new criticism, post-structuralism, structuralism, modernism and post-modernism. And this is the related to post-colonial theory. So I request you all, please like, share and subscribe to our channel. What is the post-colonial theory? In this lecture I will explain about what is post-colonial, which are the important writers and what their role in the post-colonialism. The term post-colonial, here is the represents a temporal phase being experienced by those societies which suffered colonization and are now free. है ना, उन people से, उन writers से, उन लोगों से, उन societies से जो कभी ना कभी colonization का सफ़र किया है जिन्होंने, और वो at present जो हैं they are free. तो इसमें हम कह सकते हैं एक ऐसा क्रिएटिव माइंडसेट, एक क्रिटिकल अप्रोच थी ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म, जिसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो थे उनको थर्ड वर्ल्ड भी हम कहते हैं, वर कॉलोनाइज्ड बाय वन यूरोपियन कंट्री और द अदर, है ना, लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ये एक्सेट्रा, ये जो कंट्रीज थे जो पोस्ट कॉलोनाइज, जिन्होंने अदर कंट्रीज़ को किया कॉलोनाइज्ड, जो कंट्रीज़ थे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, ये कुछ थे. आफ्टर दैट ये गोट फ्रीडम, उन्होंने फ्रीडम पाई. ये तो थर्ड वर्ल्ड जो राइटर्स हैं शुड फोकस ऑन बोथ कॉलोनाइजन एंड इम्पैक्ट ऑन कल्चर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नेशंस. तो इसमें पोस्ट कॉलोनाइज्म में इनको थर्ड वर्ल्ड राइटर्स भी बोला जाता है. तो थर्ड वर्ल्ड राइटर्स जो है उनका फोकस जो था कॉलोनियलिज्म के ऊपर भी था, और उनका जो है क्या इम्पैक्ट रहा कल्चर्स के ऊपर, इन जो नेशंस थे उनके ऊपर. तो लेट अस स्टार्ट्स विद पोस्ट कॉलोनियलिज्म. एज हम लिटरेरी थ्योरी अगर माने तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म डील्स विद द लिटरेचर्स प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल्स हु वंस फॉर कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन इम्पीरियल पावर्स के थ्रू. ये एक थॉट थी प्रीमियरली कंसर्न विद अकाउंटिंग फॉर द पॉलिटिकल थी एस्थेटिक रीजन्स थे, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, सोशल इम्पैक्ट और यूरोपियन कॉलोनियल रूल जो था अराउंड द वर्ल्ड इन द 18th से लेकर के थ्रू 20th सेंचुरी तक इनका रहा था. ये जो टर्म है पोस्ट कॉलोनियल जो स्टडीज़ है, मे बी प्रेफर टू पोस्ट कॉलोनियलिज्म एज द अम्बिगियस टर्म. कॉलोनियलिज्म कुड रिफर आइदर टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और टू एन आइडियोलॉजी और वर्ल्ड व्यू अंडरलाइंग दैट सिस्टम. पोस्ट कॉलोनियलिज्म जनरली जो है रिप्रेजेंट करती ऐसी आइडियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को टू कॉलोनियलिजिस्ट थॉट रादर देन सिंपली डिस्क्राइबिंग अ सिस्टम दैट कम्स आफ्टर कॉलोनियलिज्म. As a post-colonialism may be thought of as a reaction to a departure from colonialism. तो इसमें जो है एक डिपार्चर है कॉलोनियलिज्म से. इसमें कॉलोनाइज्ड और कॉलोनी, है ना, इसमें दो तरह के जो राइटर्स ने दो तरह के लोगों को इसमें बताया है. एक तो जो कॉलोनाइजर थे, एक जो है कॉलोनाइज्ड. इसमें अल्बर्ट मेमी की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो 1920 में उन्होंने लिखी थी, द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड 1965. कॉलोनाइजर जिन्होंने कॉलोनाइजर जो कंट्रीज थे जिनके अंडर में अदर कंट्रीज थे जो अंडर में थे दैट कॉल कॉलोनाइज्ड, और जो कॉलोनाइजर जिन अपने अंडर में लेने वाले. इसमें जो इन्होंने अपना मोस्ट सीरियस इनमें बताया है सफर बाय द कॉलोनाइज्ड, है ना, बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम हिस्ट्री, कि किस प्रकार से उनको हिस्ट्री से जो है उनको रिमूव कर दिया गया. तो इन सब के बारे में इसमें बुक में है. पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज एम्ड एट डिसएम्पावरिंग सच थ्योरीज. कौन कौन से थ्योरीज की बात हुई, इंटेक्चुअल, लिंग्विस्टिक, सोशल, इकोनॉमिक, बाय मीन्स ऑफ विच कॉलोनियलिस्ट जो परस्पेक्टिव है, अंडरस्टैंड है, नो है द वर्ल्ड. पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो है इस्टेब्लिश करती है इंटेक्चुअल स्पेसिस फॉर स्वेल्टर्न पीपल. यहाँ पे स्वेल्टर्न पीपल की भी बात हुई है, कौन अपने आप को स्वेल्टर्न बोलता है, स्पीक फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए बहुत सारे जो हैं वो एज कॉल्ड स्वेल्टर्न, बट दे आर नॉट अ स्वेल्टर्न, देयर ओन वॉइसिस एंड दस प्रोड्यूस कल्चरल डिस्कोर्सेज ऑफ फिलोसफी, लैंग्वेज, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, बैलेंसिंग द इम्बैलेंस्ड
us and them binary power relationship between the colonist and the colonial subjects, colonist or the colonial subjects जो उनके under में थे उनसे. यहाँ पे French Fanon played a great role. French Fanon का बहुत ही great role इसमें रहता है. उनकी most important book जो है The Worst of the Earth, The Worst of the Earth that was written published in 1961. इसमें analyze किया गया है psychological और sociological factors inherent in colonialism. इसमें psychological और sociological factors की इसमें बात. फ्रेंच फैनन ने अपनी इसमें कॉलोनीज़म को एज इसेंशियली डिस्ट्रक्टिव भी बोला है. ही राइट्स दैट द आइडियोलॉजिकल एसेंस ऑफ कॉलोनीज़म इज द सिस्टमेटिक डिनाइल ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमनिटी ऑफ द कॉलोनाइज्ड पीपल. सच डीह्यूमनाइजेशन इज अचीव्ड विद फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस बाय विच द कॉलोनिस्ट मीन्स टू इनकलकेट ए सर्वाइल मेंटेलिटी अपॉन द नेटिव्स. Fanon actively supported and participated in the Algerian Revolution for independence from France. ये जो Algerian Revolution है इसमें भी French Fanon played a great role. तो French Fanon का नाम आता है जब हम colonialism की बात करते हैं, colonizer की बात करते हैं, तो उसमें French Fanon played a great role. उनकी most important जो work है The Worst of the Earth 1961 में, और इनमें analyze करते हैं psychological and sociological factors inherent in colonialism. अदर इनका इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हमें याद रखना है, अल्जीरियन रिवोल्यूशन, फ्रेंच फैनन प्लेड अ ग्रेट रोल इन अल्जीरियन रिवोल्यूशन एंड दिस रिवोल्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस. अनदर की जो बुक है फ्रेंच फैनन की, दैट इज ब्लैक स्किन्स वाइट मास्क. ब्लैक जो स्किन है वाइट मास्क है. इन दिस बुक फैनन डिस्कसेस द लॉजिक ऑफ कॉलोनियल रूल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस ऑफ रेसियलाइज्ड. तो इसमें इनकी दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है ब्लैक स्किन्स वाइट मास्क. आफ्टर अनदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस है राइटर है अबाउट पोस्ट कॉलोनियलिज्म, दैट इज एडवर्ड सेट. एडवर्ड सेट जो है 1935 से 2003 का इनका लाइफ स्पैन रहता है. इनकी जो पोजीशन है कॉलोनाइज्ड इन हिज फेमस वर्क से हमें पता चलता है, दैट इज ओरिएंटलिज्म. इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है ओरिएंटलिज्म 1978. ये ओरिएंटलिज्म जो है कोई नॉर्मल बुक नहीं है. इनकी ओरिएंटलिज्म जो है वो बन जाती है बिकेम द बाइबल ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिकल थ्योरी. बाइबल भी कहा जाता है पोस्ट कॉलोनियल के लिए. क्या बोला जाता है? ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सेड की बुक है उसको बाइबल कहा जाता है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिकल थ्योरी में. इसमें एडवर्ड सेड जो है डेवलप करता है डिनोशंस एंड कनेक्शंस ऑफ द टर्म ओरिएंटलिज्म. और व्हाट इज ओरिएंटलिज्म? ओरिएंटलिज्म इज एन आर्ट हिस्ट्री टर्म फॉर वेस्टर्न डिपिक्शंस एंड द स्टडी ऑफ द ओरिएंट. इसमें तो इसमें एडवर्ड सेड जो है अपनी अप्रोच जो है ओरिएंटलिज्म देता है उसमें डिस्कोर्स ऑफ ओरिएंटलिज्म सर्कुलेट करता है नरेटिव्स अबाउट क्रूटिलिटी के बारे में, सेंसुअलिटी, डिस्पोजिशन, लाजीनेस एंड सो ऑन टू कंस्टिट्यूट अदर अगेंस्ट विच अ पॉजिटिव आइडेंटिटी ऑफ द कॉलोनाइजर कुड बी कंस्ट्रक्टेड. किस प्रकार से उनके अगेंस्ट है कि उनको जो है कॉलोनाइजर जो कंट्रीज हैं, कॉलोनाइजर जो पीपल हैं, उनको एक पॉजिटिव आइडेंटिटीज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है. अन्य बुक जो है इनकी वो है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म 1993 में. एडवर्ड सेड की सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म 1993. कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म 1993 इसमें क्या एनालाइज करता है? राइज ऑफ कॉलोनियल डिस्कोर्स थ्रू कल्चर एंड नरेटिव एंड नोट्स दैट द प्रोसेस ऑफ सबॉर्डिनेटिंग द नेटिव. तो टू मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं एडवर्ड सर्ड की एंड प्लेड अ ग्रेट रोल इन कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म. ओरिएंटलिज्म है 1978 में जो बाइबल मानी जाती है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिकल थ्योरी में. सेकेंड है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म 1993 में. यहाँ पे ओरिएंटलिज्म जो है रिड्यूस द नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड इनटू द होमोजीनियस कल्चरल एंटिटी नोन एज द ईस्ट, है ना. तो ये सब इसमें बताता है एडवर्ड सेट. हम सबल्टर्न की बात अगर हम करें, व्हाट इज सबल्टर्न, तो ये एक फिलोसफर और थ्योरिटिशियन जो हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, वो करती हैं अगेंस्ट असाइनिंग एन ओवर ब्रॉड कॉनेशन. वो ओवर ब्रॉड कॉनोनेशन इसमें बताती सी आर्ग्यू सबल्टर्न इज नॉट जस्ट ए क्लासी वर्ड फॉर ओप्रेस्ड. कि सबल्टर्न एक वर्ड ही नहीं है फॉर ओप्रेस्ड के लिए,
फॉर द अदर द वर्किंग क्लास इज ऑप्रेस्ड. ऑप्रेस्ड कौन है? ओ होल वर्किंग क्लास. इट इज़ नॉट, लेकिन वो होल क्या नहीं है, दैट होल आर नॉट सबल्टर्न. इज नॉट जस्ट ए क्लासी वर्ड फॉर ऑप्रेस्ड. फॉर द अदर द वर्किंग क्लास इज ऑप्रेस्ड. इट इज़ नॉट सबल्टर्न. दे शुड नॉट कॉल देमसेल्व सबल्टर्न. हर किसी को सबल्टर्न नहीं बोलना है. यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है स्पाइवेक टर्म्स एसेंशियलिज्म एंड स्ट्रेटजिक एसेंशियलिज्म टू डिस्क्राइब द सोशल फंक्शंस ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म. तो यहाँ पे चक्रवर्ती स्पाइवक हैं, इनका भी काफ़ी ग्रेट रोल है. ये अमेरिकन प्रोफेसर हैं ऑफ इंडियन ओरिजिन के, और इनका एक असर भी है कैन द सबल्टर्न स्पीक. यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर पाई कैन द सबल्टर्न स्पीक. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक कैन द सबल्टर्न स्पीक. इसमें जो क्वेश्चन है वेदर पीपल इन सबॉर्डिनेट और जो कॉलोनाइज्ड पोजिशन आर एबल टू हैव अ वॉइस, उनके भी क्या है, एबल होने चाहिए वॉइस, वो भी बोल सकते हैं. कैन द सबल्टर्न स्पीक, इसका मतलब ही यही है. सबल्टर्न वॉज यूज बाय द इटालियन मार्क्सिस्ट क्रिटिक एंटोनियो ग्राम्सी ने इस ये टर्म जो है सबसे पहले यूज की है ना. तो ये गायत्री स्पाइवक का मोस्ट इम्पोर्टेंट कैन द सबल्टर्न स्पीक, और ये पूरा जो है सबल्टर्न के ऊपर ही है कि सबल्टर्न भी जो है, सबल्टर्न से मतलब क्या है, कॉलोनाइज्ड जो पीपल हैं, ऑप्रेस्ड जो पीपल हैं, वो भी बोल सकते हैं. द लोकेशन ऑफ कल्चर होमी के भाभा. होमी के भाभा जो हैं उनका भी ग्रेट रोल है. हाइब्रिडिटी उन्होंने दी है, मिमिक्री दी है, एम्बुलेंस जो है ये कॉलोनियल डिस्कोर्स में सारी है. उनकी जो बुक है ये द लोकेशन ऑफ कल्चर दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1994. होमी के भाभा की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द लोकेशन ऑफ कल्चर 1994. इनमें इन्होंने अलग बहुत सारी टर्म दी हैं. उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट असे भी है ऑफ मिमिक्री एंड मैन. ऑफ मिमिक्री एंड मैन, तो इन्होंने हाइब्रिडिटी की बात की है. व्हाट यू मीन बाय हाइब्रिडिटी? हाइब्रिडिटी से मतलब है हम ना तो जो है फॉरेनर रहे, ना हम इंडियन रहे, हम मिक्स हो जाते हैं और हम खो जाते हैं कहीं. हम ना ही अपनी कल्चर अपना पाते हैं, ना जो है उधर की कंप्लीट कल्चर अपना पाते हैं. तो दैट्स कॉल्ड हाइब्रिडिटी. यहाँ पे क्या कहते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड इज कम्पोज्ड ऑफ सेपरेट एंड अनइक्वल कल्चर्स में रादर देन एज एन इंटरगल ह्यूमन वर्ल्ड है प्रिपेयर्स द बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इमेजरी पीपल्स एंड प्लेसेज. तो यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल प्रैक्सिस जो है इस्टेब्लिश द फिलोसॉफिक वैल्यू ऑफ हाइब्रिड इंटेक्चुअल स्पेसीज वेर इन एम्बिगिटी अब्रोगेट्स ट्रूथ एंड अथेंटिसिटी. देयरफॉर हाइब्रिडिटी इज द फिलोसॉफिक कंडीशन दैट मोस्ट सब्सटेंटिवली चैलेंजेस द आइडियोलॉजिकल वैलिडिटी ऑफ कॉलोनाइज्म. तो होमी के बाबा का हमें याद रखना है द लोकेशन ऑफ कल्चर उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है. उन्होंने हाइब्रिडिटी जो टर्म दी है, मिमिक्री दी है, तो ये टर्म्स हमें उनकी लर्न करनी है. इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स दी हैं, इंक्लूडिंग पाल जो है गिलरोयस काउंटर कल्चर ऑफ मॉडर्निटी, ये टर्म दी है. हम ओनली यहाँ पे अब हम कुछ अलग से ही टर्म जो है उनकी बात करते हैं. जो पाल गिलरोयस काउंटर कल्चर ऑफ मॉडर्निटी क्या दी है पाल गिलरोय ने, काउंटर कल्चर ऑफ मॉडर्निटी. बहुत बार पूछी जाती है टर्म्स की ये टर्म जो है किसके द्वारा दी गई, तो यानी ई बार्लो की है. कॉलोनियल मॉडर्निटी हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव मॉडर्निटी दैट अमर्ज्ड इन नॉन यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट. प्रोफेसर जो गर्ल है आर्ग्यूज दैट कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म इज अ मोर स्टेटेड टर्म्स बिकॉज द कॉलोनियल इन कॉलोनियल मॉडर्निटी डजंट accommodate the refusal of many in colonized situation to internalize entity. इनके अलावा जो अदर कुछ टर्म्स हैं वो स्पाइवेक ने एक दिया है अपस्ट्रीम वॉयलेंस. अपस्ट्रीम वॉयलेंस स्पाइवेक ने एक और टर्म्स दी है. इन प्रोलाइजिंग यूरोप दीपेश चक्रवर्ती चार्ट्स द सबल्टर्न हिस्ट्री ऑफ द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड काउंटर्स यूरोसेंट्रिक वेस्टर्न स्कॉलरशिप अबाउट नॉन वेस्टर्न पीपल्स एंड कल्चर. डायरेक्ट जो ग्रेगरी है आर्ग्यूज द लॉन्ग ट्रेजरी थ्रू हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन कॉलोनाइजेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस स्टिल हैपनिंग टूडे. इन द कॉलोनियल प्रेजेंट ग्रेगरी जो है ट्रेसिज कनेक्शन बिटवीन द जियो पोलिटिक्स ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन मॉडर्न डे. रीथिंकिंग पोस्ट कॉलोनियल कॉलोनीज जो डिस्कोर्स हैं इन मॉडर्न लिटरेचर एंड द लेगेसी ऑफ क्लासिकल राइटर्स, इसमें डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉलोनीस्ट डिस्कोर्स की, प्लेटिक्स की. द प्लेटिक्स इस्टेब्लिश ए रेसिल क्लासिफिकेशन एंड रैंक्ड द ग्रीक सुपीरियर टू द रेस्ट. तो रीथिंकिंग पोस्ट कॉलोनियलिज्म कॉलोनीस्ट डिस्कोर्स इन मॉडर्न लिटरेचर एंड द लेगेसी ऑफ क्लासिकल राइटर्स,
इसमें जो है आचार्य डिस्कस करता है हिस्ट्री ऑफ कॉलोनिस्ट डिस्कोर्स एंड ट्रेसेज इट्स प्रे टू अनसेंट ग्रीस में। यहाँ पे यूरोप का क्लेम है रेसियल सुपरमेशी का, राइट टू रूल ओवर नन यूरोपियंस हार्बर्ड बाय रिनन एंड अदर 19th सेंचुरी कॉलोनियल आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है यूरोपियन जो है वो क्लेम करता है रेसियल सुपरमेशी की, अन्य जो नन यूरोपियंस जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर यहाँ पे इन्फीरियर की बात होती है, सुपीरियर की बात होती है। तो ये सब इसमें इस बुक में बताया गया है। इससे रिलेटेड पोस्ट कॉलोनियल से रिलेटेड कुछ वर्क्स हैं, डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म बाय एमी कैसरे 1950 में, ब्लैक स्किन वाइट मास्क ये फ्रेंच फेनन का 1952 ऑलरेडी डिस्कस हो गया, वरेस्ट ऑफ द अर्थ बाय फ्रेंच फेनन ऑलरेडी डिस्कस्ड, द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड अल्बर्ट मेमी का है 1965 में, कंसनसीजम 1970 बाय क्वम नक्रोम की, ओरिएंटलिज्म बाय एडवर्ड सैड की, कैन दस बल्टन स्पीक ये गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवाक का 1988 में। So this is all about postcolonialism. May you like it. If you like it, please like, share and subscribe. Thanks a lot. What is postcolonialism? क्या है most important जो हमें होमी के बाबा है, गायत्री स्पाइवाक है, सैड है, इन सब का हमें याद रखना है, फैनन है। So thanks a lot. Please like.